लास्ट चांस बच्चा है, उम्मीद बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, ठीक है, नीट 2024 के लिए, ठीक है। तो लास्ट चांस है, 17 फेब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यानी टुमारो से, ठीक है, टुमारो हमारे क्लास स्टार्ट होंगी। लास्ट चांस बचा है हमारा नीट 2024 के लिए। इसमें फिजिक्स की क्लासेस, केमिस्ट्री की क्लासेस, बायोलॉजी की क्लासेस आपको पहले ही बता दी जाएंगी, वो होंगी कंपटीशन वाला ऐप, फिजिक्स वाला कंपटीशन वाला ऐप है, उस पर आपको बता दी जाएंगी पहले ही। कम्युनिटी पोस्ट में आपको पूरा वीकली शेड्यूल दे दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, वन शॉट लेक्चर होगा, इसमें वन शॉट 6 से 8 घंटे या 9 घंटे तक आपका लेक्चर चलेगा, ठीक है। और वीकली टेस्ट होंगे, ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेस्ट दे के उन जो टेस्ट हुआ उसकी सॉल्व भी करना है, उसे बैठ के टेस्ट देने के बाद, ताकि देख सको आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है। और बायो में खास करके रीड करनी है बायोलॉजी की एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी रीड करनी है, न्यू वाली, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी करनी है मल्टीपल टाइम्स को। और जो लास्ट 10 ईयर PYQ हैं वो करना एनसीईआरटी के, और 2 से 3 बार तो पढ़ी लेना बायोलॉजी एनसीईआरटी। और जब PW ऐप आप डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पे आपको मिलेंगे DPP, जिसमें कि क्वेश्चंस मिलेंगे 20 से 25-30 क्वेश्चन मिल सकते हैं, उस पे से आपको DPP डाउनलोड करके सॉल्व करनी है, ठीक है। आपको उसमें मल्टीपल चॉइस की तरह एक टेस्ट भी मिल जाता है, जैसे आपको करने क्विज करनी है, ठीक है, क्विज करनी है तो क्यूज भी आपको मिल जाएगी, उस पर क्यूज फॉर्म में भी मिल जाएंगे। और लास्ट के जो 6 दिन हैं, 7 डेज में हमारा क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक है, 6 दिन क्लासेस चलेंगी हमारी। और जिस भी बच्चे का बैकलॉग है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पिछला बैकलॉग, वो इस बैक वन शॉट से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। तो उम्मीद, ये उम्मीद बैच है ना, ये लास्ट उम्मीद है नीट 2024 वालों के लिए, ठीक है। और जो PYQ हैं, जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप सभी प्रीवियस 10 ईयर PYQ सॉल्व करना खुद से, और लेक्चर के ड्यूरिंग हमारे लास्ट 10 ईयर PYQ भी सॉल्व कराए जाएंगे। लेक्चर जब होगा, जब लेक्चर होगा हमारा, उसी के दौरान हमारा क्या होगा, PYQ भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये लास्ट चांस बचा है, लास्ट चांस किसके लिए, नीट वालों के लिए, नीट स्टूडेंट के लिए लास्ट चांस। तो ये मैं तो भाई यही कहूँगा कि ये उम्मीद बैच है ना, उम्मीद बैच है जी, ये भाई सफिशियंट है नीट वाले स्टूडेंट के लिए। जो भी नीट करना चाहता है वो इस बैच को फुली फॉलो करे, ठीक है। तो मैं भाई 660 नंबर प्लस जाएंगे जो इसको कर लेगा, इस बैच को कम्प्लीटली कर लेगा, और DPPs, ठीक है, जो DPP प्रोवाइड होंगी हमारी DP, ठीक है, उनको सॉल्व करें, टेस्ट होगा वीकली टेस्ट होगा उसको सॉल्व करें, उसको दें, और अपने जो मार्क्स ऑब्टेन हुए, ठीक है, उसको और इम्प्रूव कर सकता है। और टेस्ट तो सॉल्व करना है टेस्ट देने के बाद, कि मेरी क्या क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है। और फिर जो भी लास्ट में जब सिलेबस जो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जो DPP हमारी PW ऐप पे मिल जाएंगी, PW ऐप पे सारी DPP मिल जाती है नोट्स की, ठीक है, उन नोट्स को रिवाइज करना है,
रिवाइज करना है और लिखना नहीं है, ठीक है? लिखना नहीं है नोट्स को, नोट्स को लिखना नहीं है, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि नोट्स को लिख सको तुम। नोट्स को लिखना वाला जो स्टार्टिंग से होता है वो कर सकता था नोट्स को लिखना। जिसको बीएमएस करना है वो, उसके लिए तो ये बैच बहुत सफिशिएंट है। इस बैच को अगर वो कर लेता है तो उसको बीएमएस मिल जाता है। और मैं इस बैच की सारी अपडेट देता रहूँगा, कौन सी बैच किस टाइम कौन सी क्लासेस लग रही हैं, और पूरा शेड्यूल मेरे इस चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है? तो इसको सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है? सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और मोर इन्फॉर्मेशन आती रहे उम्मीद बैच की। तो उम्मीद बैच हमारे लिए क्या है, वरदान की तरह आया है, ठीक है? तो इसको फॉलो करते रहें, आपका नीट 2024 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है?